हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे। वेलकम टू ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमसीसी राउंड 3 का एआईक्यू ओवरऑल कट ऑफ, क्योंकि यहां पर प्रोविजनल आपका रिजल्ट आ चुका है जो कि आपके स्क्रीन पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बार आपका ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ काफी ज्यादा हाइक किया हुआ है और सेकेंड राउंड में भी हाइक जाने का चांसेस है। तो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा सेकेंड राउंड में इस बार जो कट ऑफ गया हुआ है अनडिजर्व कैटेगरी का, थर्ड राउंड में उसमें रैंक गया हुआ है 22,663 और स्कोर जो है 611 है। सेकेंड राउंड के कट ऑफ आप देख रहे हैं, रैंक 22,104 था और 612 स्कोर है। यहाँ पे एक नंबर का केवल जो है डाउनफॉल देखने को मिला है जो कि एकदम ना के बराबर कहा जा सकता है। अब उसके बाद बात करें हम AWS कैटेगरी का, जिसका स्कोर का कट ऑफ इस बार आया है 608। रैंक की बात करें तो 24,659 रैंक है और सेकेंड राउंड में आप देख सकते हैं स्कोर 608 बिल्कुल सिमिलर था। और रैंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, 22,784 इस बार रैंक गया हुआ है थर्ड कट ऑफ में और स्कोर का कट ऑफ आया हुआ है 611। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,23,215 रैंक है और स्कोर का कट ऑफ गया हुआ है 486। एससी कैटेगरी की बात करें 1,59,637 रैंक गया हुआ है और स्कोर गया हुआ है 453। वहीं लास्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में आपने देखा 465 स्कोर गया हुआ था। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है डाउनफॉल बहुत कम देखने को मिला है। जैसे कि आप लोग को पता ही है इस बार का जो कट ऑफ है काफी ज्यादा हाई गया है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो आपका ऑल इंडिया में हो। तो ऑल इंडिया में भी वही देखने को मिल रहा है। सेकेंड राउंड के हिसाब से थर्ड राउंड का जो कट ऑफ है बहुत ही कम डाउनफॉल हुआ है यहाँ पे। तो एक चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पर, जिस भी बच्चे को ऑल इंडिया में थर्ड राउंड में जिसको सीट अलॉट हो चुका है वो सीट को एग्जिट नहीं कर सकता है। अगर वो एग्जिट करता है तो ऑल इंडिया के आपके काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। तो अगर सीट जिस बच्चे को मिल चुका है, जो कॉलेज उन्हें मिल चुका है, वो उसमें संतुष्ट रहे, तो हम फिर दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। ऑल इंडिया का इस बार अभी मैंने जो कैटेगरी वाइज है उसका कट ऑफ बता दिया है। कॉलेज के कट ऑफ के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।